सो हेलो गाइस यार, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, काफ़ी सारे भाई लोग का साउंड स्टैंडर्ड CA20 एम्पलीफायर के ऊपर भर भर के कमेंट इस टाइप का रहता है कि क्या एम्पलीफायर टॉप चलाने के लिए सही है या बेस चलाने के लिए सही है, इस वाले एम्पलीफायर पर हम कितना लोड डालकर चला सकते हैं। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस वाले एम्पलीफायर के बारे में क्लियर बताने वाला हूँ सारा कुछ, इसका कनेक्शन वगैरह भी, कि अगर आप लोग इस वाले एम्पलीफायर को लेते हैं CA20 का साउंड स्टैंडर्ड, तो इस पे टॉप चलेगा तो अच्छा रहेगा या आप लोग इस पे बेस चलेगा तो अच्छा रहेगा। साथ ही सर, काफी सारे भाई लोग का अभी रिकमेंड था कि हमें 1300 और 1200 वाट का चार टॉप चलाने के लिए कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए। तो गाइस सर, आज की इस वीडियो में सारा कुछ आप लोगों को डिटेल में जानकारी मिलने वाला है। साथ ही सर, CA20 एम्पलीफायर का मार्केट में कितना प्राइस देखने को मिलेगा ये भी आप लोगों को इसी वीडियो में मालूम चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। इसे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर आईडी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सर, ये है साउंड स्टैंडर्ड का डुअल चैनल का पावर एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर CA20 देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस सर एम्पलीफायर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे भाई लोग इस वाले एम्पलीफायर को लेते हैं क्योंकि इसका जो प्राइस होता है काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो गाइस सर, इस वाले एम्पलीफायर का जो फ्रंट पैनल है कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जो कि ये साउंड स्टैंडर्ड का ओरिजिनल एम्पलीफायर है। साउंड स्टैंडर्ड CA20 में काफ़ी सारा मार्केट में आप लोगों को डुप्लीकेट कॉपी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को साउंड स्टैंडर्ड का ब्रांडिंग यहाँ पर मेंशन किया गया, साथ ही गाइस सर इसका मॉडल नंबर CA20 यहाँ पर मेंशन किया गया। और गाइस सर, ये जो एम्पलीफायर है डुअल चैनल का है, जो कि यहाँ पर चैनल ए और चैनल 2 यहाँ पर आप लोगों को वॉल्यूम गेन देखने को मिल जाएगा। साथ ही गाइस सर, यहाँ पर आप लोगों को सिग्नल और प्रोटेक्शन और क्लिप के लिए कुछ यहाँ पर दोनों चैनल के लिए अलग अलग यहाँ पर आप लोगों को लाइट इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बड़ा बड़ा ग्रिल जाली देखने को मिल जाएगा, जो कि इस ग्रिल जाली के माध्यम से इस वाले एम्पलीफायर का जितना भी एयर वेंटिलेशन रहेगा इजिली आता जाता रहेगा, ताकि आप लोग का एम्पलीफायर लॉन्ग टाइम तक भी चले तो इसके अंदर कोई भी हीटिंग प्रोटेक्शन का चांस न बने। साथ ही सर, इस वाले एम्पलीफायर को आप लोगों को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर स्विच देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इस वाले स्विच को प्रेस कीजिएगा तो एम्पलीफायर में पावर आना चालू हो जाएगा। इस वाले एम्पलीफायर को फ्लाइट केस के अंदर भी कर सकते हैं, और भी सर इसका हैंडल भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इस वाले एम्पलीफायर के बैक पैनल के बारे में बात करेंगे तो इसका बैक पैनल कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके बैक पैनल पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो बड़े बड़े आप लोगों को फैन देखने को मिल जाएगा, जो कि सर इस वाले फैन के माध्यम से इस वाले एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, और फैन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बड़े साइज में देखने को मिल जाएगा। साथ ही सर, यहाँ पर आप लोगों को इनपुट और आउटपुट करने के लिए XLR मेल फीमेल का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि चैनल 1 और चैनल 2 यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस वाले सेक्शन में आप लोग इनपुट कर सकते हैं, यानी मिक्सर से जैसे ही आप लोग इनपुट लाइएगा तो इसमें डाल सकते हैं। अगर इस वाले एम्पलीफायर से दूसरे वाले एम्पलीफायर को जोड़ना होगा तो यहाँ से आप लोग लिंक लेकर दूसरे वाले एम्पलीफायर में पैच कर सकते हैं, जो कि यहाँ से इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। साथ ही गई सर, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा स्विच देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके अंदर 6 स्विच दिए गए हैं। तो गई सर, 6 स्विच का काम अलग अलग होता है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को एक यहाँ पर मोड सिलेक्शन के लिए स्विच दिया गया है, जो कि आप लोग इस वाले एम्पलीफायर को स्टूडियो, पैरेलल और ब्रिज मोड, जिस मोड पे आप लोग चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। स्टूडियो का मतलब होता है कि दोनों चैनल में सिग्नल देना होगा, और पैरेलल का मतलब होता है कि चैनल एक में सिग्नल दीजिएगा तो दोनों चैनल वर्क करेगा। ब्रिज का मतलब है कि अगर आप लोग इस वाले स्विच को ऊपर कर दीजिएगा तो यहाँ पर ब्रिज मोड का येलो कलर का लाइट ब्राइट हो जाएगा, तो केवल आप लोगों का चैनल ए में पूरे ही एम्पलीफायर का पावर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ब्रिज मोड में कितना पावर देता है सारा कुछ आगे आप लोगों को मालूम चलेगा। यहाँ पर सेंसिटिविटी सेट करने के लिए स्विच दिया गया कि आप लोग इसे कितना सेंसिटिविटी पे चलाते हैं, तो आप लोग ऊपर साइड में ही रखने दीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, जो कि 0.775 वोल्ट पे ही चलेगा तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को क्रॉसओवर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि लो पास और हाई पास कर सकते हैं, जो कि अगर आप लोग इस पर बेस चलाएंगे तो इसे आप लोग ऑन कर सकते हैं, जो कि अच्छा क्वालिटी का बेस मिलेगा। यहाँ पर लिमिटर का स्विच दिया जाता है, तो आप लोग लिमिटर को ऑन रखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। और गाइस सर, यहाँ पर ग्राउंड का ऑप्शन मिलता है,
तो कहीं सर ग्राउंड को भी आप लोग ऑन रख सकते हैं, लाइव प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ये वाला स्विच काम में देता है। साथ ही सर यहाँ पर आप लोगों को स्पीकर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को बनाना टर्मिनल का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि वायर के द्वारा भी डायरेक्टली आप लोग इस वाले पोल पर कनेक्ट कर सकते हैं। और कहीं सर स्पीकर के द्वारा भी इस यहाँ पर आप लोग कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए कहीं सर हम बात कर लेते हैं इस वाले एम्पलीफायर के पावर के बारे में। तो कहीं सर ये जो एम्पलीफायर है आप लोगों को 8 ओम पे पर चैनल पे 1300 वाटेज निकाल कर दे देगा आरएमएस में, और 4 ओम पर चैनल पे 2025 वाटेज निकाल कर दे देगा आरएमएस में, और 2 ओम पे 2700 वाटेज पर चैनल पे देखने को मिल जाएगा। इस वाले एम्पलीफायर का ब्रिज मोड का पावर 8 ओम पे 4050 वाटेज देखने को मिल जाएगा, जो कि चैनल एक पे ही काम करेगा, और गीसर 4 ओम पे 5400 वाटेज देखने को मिल जाएगा। तो ब्रिज मोड वही भाई लोग ऑपरेट करते हैं जिनके पास हैवी सेवी वाटेज का स्पीकर होता है, तभी आप लोग इस वाले एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो एम्पलीफायर है क्लास एच का एम्पलीफायर है, जो कि आप लोगों को फ्रंट पे भी देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर कंपनी ने खुद मेंशन कर दिया कि ये जो एम्पलीफायर है क्लास एच का प्रोफेशनल एम्पलीफायर है। तो क्लास एच का एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं और अच्छा इससे साउंड मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वाले एम्पलीफायर का जो डंपिंग फैक्टर है 300 देखने को मिल जाएगा, और सर इस वाले एम्पलीफायर का जो नेट वेट है 41 kg देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इस वाले एम्पलीफायर के प्राइस के बारे में, तो कहीं सर इस वाले एम्पलीफायर का प्राइस आप लोगों के मार्केट में इजीली 40,000 से 43,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि ये एम्पलीफायर इतने बजट में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, इतने प्राइस रेंज में आप लोगों को किसी भी मार्केट में मिल सकता है, 2-4-5,000 ऊपर नीचे आप लोगों के मार्केट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो कहीं सर ओवरऑल ये जो एम्पलीफायर है बजट फ्रेंडली है, आप लोगों के बजट में आ जाएगा और इतना हैवी वाटेज का पावर मिल जा रहा है। सर अगर आप लोग इस वाले एम्पलीफायर पर केवल आप लोग टॉप चलाते हैं तो बिल्कुल ही अच्छे क्वालिटी का आप लोगों को साउंड मिल जाएगा, लेकिन कहीं सर अगर आप लोग इस पर बेस चलाएंगे तो बेस में वैसा मजा नहीं मिलेगा जैसा आप लोगों का बेस का फील आना चाहिए, क्योंकि इस वाले एम्पलीफायर का जो डंपिंग फैक्टर है मात्र 300 है, जो कि आप लोगों को भी पता है, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जिस एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर ज़्यादा होता है उसमें बेस काफ़ी अच्छे मिलते हैं और वाइब्रेशन और पंच काफ़ी तगड़ा वाला मिलता है, लेकिन इसका जो डंपिंग फैक्टर है 300 है, तो टॉप के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, जो कि टॉप के लिए 300 और 400 डंपिंग फैक्टर वाला एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं, जो कि डीजे और लाइव प्रोग्राम दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन अगर आप लोग इसे डीजे में बेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये एम्पलीफायर प्रॉपर नहीं है। अगर आप लोग चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बेस थोड़ा कम मिलेगा और वैसा नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। तो कहीं सर ये जो एम्पलीफायर अगर आप लोग इसे 8 ओम पे ऑपरेट करना चाहते हैं, यानी ये जो एम्पलीफायर 8 ओम पे 1300 वाटेज दे रहा है, तो पर चैनल आप लोग 8 ओम इम्पीडेंस वाला स्पीकर 1000 से 1300 वाटेज का स्पीकर आप लोगों का एक चैनल पे एक एक स्पीकर चल जाएगा, यानी एक एक सिंगल बेस चल जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आप लोग इसे 4 ओम पे ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये जो एम्पलीफायर 4 ओम पे 2025 वाटेज दे रहा है, तो अगर आप लोग एक चैनल पे 2 स्पीकर चलाएंगे 8 ओम वाला, तो इजिली 1000 वाटेज के 2 स्पीकर एक एक चैनल पे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। या कि सर आप लोग डुअल बेस भी 2000 वाटेज का एक एक डुअल बेस एक एक चैनल पे चलाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब कहीं सर हम बात करेंगे 2 ओम के लिए, तो कहीं सर ये जो एम्पलीफायर है 2 ओम पे 2700 वाटेज दे रहा है, तो कहीं सर आप लोगों के पास अगर 1300 और 1200 वाटेज के टॉप हैं तो इजिली एक चैनल पे 2 टॉप चला पाएंगे। कहें तो अगर आप लोगों के पास 500 और 600 वाटेज के स्पीकर है तो इजीली आप लोग एक चैनल पे 15 इंची के 4 स्पीकर चला सकते हैं, जो कि आप लोग मान के चलिए कि 2-2 टॉप 1300-1300 वाटेज के इजीली इस पे एक एक चैनल पे चला लेंगे, जो कि 1300 वाटेज के 4 टॉप चल जाएगा। अगर जिन भाई लोग के पास हो जाएगा 15-10 टॉप है तो इजिली इस पर मस्त चलेगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस वाले एम्पलीफायर को लीजिए तो केवल टॉप चलाने के लिए, आप लोग इस पर बेस चलाइएगा तो वैसा क्वालिटी नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। तो कहीं सर आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और कहीं सर इस एम्पलीफायर के बारे में सारा कुछ आप लोगों को डिटेल जानकारी दिया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। गाइस अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।